ग्वालियर शहर के गिरवाई थाना क्षेत्र में 9 जून को मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गिरवाई थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अजयपुर पहाड़ी पर पत्थरों के नीचे दबा हुआ एक बच्चे का शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे के शव को बाहर निकाला तो पता चला कि उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद अज्ञात हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया तो मालूम चला कि 11 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या करने में उसके घर के पास रहने वाले साथी बदमाश का ही हाथ हो सकता है, जो कि बच्चे का रिश्तेदार है और पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। मुखबिर की सूचना पर गिरवाई पुलिस ने ठाकुर मोहल्ला बीरपुर बांध से उसे धर दबोचा। ये गिरवई थाना क्षेत्र में 9 तारीख को एक नाबालिग बच्चे का की हत्या निर्ममता पूर्वक कर दी गई थी। अजयपुर का जंगल जो कि इसके घर से कुछ दूरी पर है, वहाँ पे एक छोटे गड्ढे में इसकी लाश पत्थरों से ढकी हुई मिली थी और इसकी मर्डर होने के बाद चूंकि बहुत ही सनसनीखेज प्रकृति का ये अपराध था, एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना गिरवई के थाना प्रभेद समेत पूरी टीम थी, जिसको एडिशनल एसपी वेस्ट और सीएसपी लश्कर लीड कर रहे थे। और टीम ने 5 दिन बड़ी मेहनत करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि दूर से इस परिवार के रिश्ते में भी है और बहुत अच्छा परिचित है, और यही कारण रहा कि बच्चा इसके साथ इसके पूछने पे चला गया आम तोड़ने के बहाने। और ये जो आरोपी था, इसने देखा था कि बच्चा एक कान में बाली पहने हैं और गले में एक पैंडल पहने हैं, और ये देख के इसके मन में लालच आ गया और अजयपुर के जंगलों में दोपहर में जब लेके गया वहाँ कोई नहीं था, पीछे से इसने बच्चे का पैंडल खींचा। उसकी जो डोरी थी वो काफ़ी मजबूत थी, इस कारण से गले में वो फंस गई और बच्चा बेहोश सा हो गया, और इसके बाद इसने गला दबा के और वहीं पे पड़ा हुआ एक भारी पत्थर इसके सिर पे मार दिया, जिससे इसका सिर कुचल गया। फिर गड्ढे में बच्चे को रख के और इसके ऊपर पत्थर ढक के ही आ गया। बाद में पास के ही एक सुनार को इसने 1800 रुपये में वो पैंडल और बाली बेच दी, और इसके बाद जो है वहीं मोहल्ले में रहा और बीच में इसने एक दो बार बच्चे को ढूंढने का अनुक्रम भी किया, परंतु ग्राउंड पे लगातार मेहनत करने पे ये टिप मिली कि फलां आरोपी हो सकता है, तो इसको पकड़ के जब पूछताछ की गई तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया और पैंडल और